हेलो एवरीवन, इट्स टाइम ऑफ विंटर सीजन सो आई विल अपडेट यू अबाउट विंटर सीजन सेंटेंसेस पार्ट फोर आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज वर्ड कोल्ड से आप विंटर सीजन के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे वर्ड कोल्ड वर्ड फॉर्म्स कोल्डर एडजेक्टिव कंपैरेटिव, कोल्डेस्ट एडजेक्टिव सुपरलेटिव Cold means noun plural. Word cold Hindi meaning thand, sardi, sheet, sheetalta, jukam, thandamosam. Word cold S noun meaning in English lack of heat, low temperature, and cold weather. Let's start how to make sentences from word. कोल्ड फर्स्ट सेंटेंस इट्स कोल्ड टुडे आज ठंड है अक्सर आप कहते हैं मुझे ठंड लग रही है इसके लिए आप ये दो सेंटेंसेस बोल सकते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड और आई एम कोल्ड जनरली पीपल आर सेइंग, आई एम कोल्ड मीन्स मुझे ठंड लग रही है अब अगर आपको किसी से पूछना है क्या आपको ठंड नहीं लग रही है आर नॉट यू फीलिंग कोल्ड और आर नाट यू कोल्ड नाउ इफ यू वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू सम बाहर जाने से पहले अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहन लो बंडल अप योर सेल्फ बिफोर गोइंग आउट मीन्स बाहर जाने से पहले अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहन लो जनरली आप यह सेंटेंस बोलते हैं मुझे एक स्वेटर की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है आई नीड अ स्वेटर बिकॉज आई एम सो कोल्ड यू कैन से लाइक दिस सल्सो फॉर शॉल आई नीड अ शॉल बिकॉज आई एम सो कोल्ड मीन्स मुझे एक स्वेटर की जरूरत है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है इन प्लेस ऑफ स्वेटर इफ़ यू विल यूज वर्ड शॉल तो आप ऐसा भी कह सकते हैं मुझे एक शॉल की जरूरत है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है अगेन फॉर कोल्ड सीजन इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू समबडी बाहर जाने से पहले अपना स्वेटर पहन लो पुट ऑन योर स्वेटर बिफोर गोइंग आउट मीन्स बाहर जाने से पहले अपना स्वेटर पहन लो, ओढ़ लो इसके लिए आप इंग्लिश के ये दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं या तो आप बोल सकते हैं वर्ड ड्रेप या फिर रैप अप शॉल ओढ़ लो मीन्स ड्रेप ऑब्लिक अ शॉल या तो आप वर्ड ड्रेप यूज करेंगे या रैप अप यूज़ करेंगे दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं मीन्स शॉल ओढ़ लो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एडवाइस टू समबडी लाइक दिस एक शॉल उठाओ और ओढ़ लो टेक अ शॉल एंड रेप अप योर सेल्फ एक शॉल उठाओ और ओढ़ लो वेदर इज़ रियली कोल्ड फॉर नेक्स्ट सेंटेंस इफ वेदर इज रियली कोल्ड यू कैन से लाइक दिस लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है आई थिंक I should go inside because it's really cold here. means लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है सेंटेंस अंदर आने के बाद आपका रूम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है उसके लिए आप यह सेंटेंस यूज कर सकते हैं ये दो सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कमरा बहुत ठंडा है यहाँ मेरे कमरे में बहुत ठंड है My room is so cold means मेरा कमरा बहुत ठंडा है या मेरे कमरे में बहुत ठंड है If you want to say something like weather, like आज मौसम अच्छा है लेकिन कल तो बहुत ठंडा था For this sentence in English, today the weather is nice but yesterday it was very cold means आज मौसम अच्छा है लेकिन कल तो बहुत ठंडा था नेक्स्ट सेंटेंस मुझे सर्दी हो गई है लाइक दिस यू कैन से इन इंग्लिश आई हैव कोल्ड मीन्स मुझे सर्दी हो गई है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे अक्सर ठंड से जुकाम हो जाता है यू कैन से इन इंग्लिश लाइक दिस आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर्स मीन्स मुझे अक्सर ठंड से जुकाम हो जाता है दिस सेंटेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो मुझे सर्दियों में अक्सर ठंड लग जाती है यू कैन से इन इंग्लिश लाइक दिस आई ऑफन कैच अ चिल इन विंटर्स मीन्स मुझे सर्दियों में अक्सर ठंड लग जाती है इट्स टाइम टू एंड द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सुन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अंटिल नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग